दोस्तों आपको याद है 2 महीने पहले ही मैंने 17 जनवरी को वैलिड रिगार्डिंग एक वीडियो डाला था, तो अभी मैंने 4 इंच और कम कर दिए, यानी कि 5 महीने में 10 इंच कम कर दिए। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरे यानी कि सारी मेरी यानी कि नीचे वाली लोअर लेवल की एक्सरसाइज सारी मेरी कंप्लीट हो गई है, काफ़ी मेरी स्ट्रेंथ आ गई, इसलिए मैंने ये बेली पर फोकस किया है। तो आप लोगों को मेरा एक ही अनुरोध है कि आप बेली के रिगार्डिंग एक्सरसाइज जो भी मैं बता रहा हूँ वो सारी पहले नीचे की आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए तभी ये सब फॉलो करना, पहले से इस पर ज़्यादा फोकस मत करना। और मैंने ये बेली विदाउट वेट लॉस, विदाउट वॉकिंग, रनिंग और डाइट कंट्रोल्स कि ये बिना ही सब कुछ किया है, तो ये इसमें जो जो मैंने फॉलो किया है वो सब मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जो बता रहा हूँ तो आपको ये शायद वो हेल्पफुल होगी अपनी बेली कम करने के लिए। दोस्तों ये LS बेल्ट है, ये मैं पहले एक्सरसाइज करता था तभी पहनता था, लेकिन अभी मैं हर वक्त पहन के रखता हूँ। और इसमें मैं एक चीज़ करता हूँ, थोड़ा टाइट पहनता हूँ, और ये पहले जब मेरी बेली ज़्यादा थी तो यहाँ तक ही ये यहाँ तक ही वेलक्रो का उनका ओरिजिनल फॉर्म था, लेकिन धीरे 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 जैसे मेरी बेली कम होती गई मैंने इस तरह से वेलक्रो की अलग से स्ट्रिप लगाता गया ताकि ये और टाइट से मैं पहन सकूँ। और अभी काफ़ी यानी कि पूरा का पूरा यहाँ तक आ रहा है इस तरह से, यानी कि मैंने इतनी स्ट्रिप लगा कर दी, यानी कि ये थोड़ा टाइट रहे। दोस्तों अभी मैं अपनी बेली दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए ये अभी 34 के अप्रोक्स हो गई है, ये देखिए 34 के अप्रोक्स हो गई है, जो जनवरी 17 को 38 के अप्रोक्स थी तो अभी 34 के अप्रोक्स हो गई है, यानी कि ये 4 इंच का गैप हो गया है। आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा गैप होता है, 2 महीने में मैंने 4 इंच का गैप कर दिया है, ये 4 इंच का ये देख आप देख सकते हो ये 4 इंच का ये गैप हो गया है। अभी मैं आपको अपनी जनवरी की बेली दिखाता हूँ, ये मेरा छोटा सा जिम है और यहाँ मैं 2 साल से एक्सरसाइज करता रहता हूँ। दोस्तों ये रिकमेंड बाइक है और इसका यूज़ मैं पहले आधे घंटे के अप्रोक्सी करता था, और जब से मैंने बेली के रिगार्डिंग एक्सरसाइज स्टार्ट किए तब से मैं कम से कम दिन में 3 घंटे के अप्रोक्स करता हूँ, सुबह 1-1.5 घंटा करता हूँ और शाम को भी मैं 1-1.5 घंटा करता हूँ। और कभी कभी मैं टाइम पास के लिए मैंने अपने ये डंबल्स भी रखे हैं, तो ये मैं टम्बेस की छोटी छोटी एक्सरसाइज इस तरह से यानी एकदम लाइट वेट से एक्सरसाइज मैं ऊपर की बॉडी की करता रहता हूँ। यहाँ फिर ये एक हाथ से भी मैं इस तरह से अपने ये आर्म स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं इस तरह से भी करता हूँ ट्राइसेप बनाने के लिए, और ये भी एक मैंने किए यानी ऐड करने के लिए। दोस्तों ये सोना बेल्ट है, इसे स्लिमिंग बेल्ट भी बोलते हैं, मैं इसका भी यूज़ करता हूँ, मैं आधे से 1.5 घंटा करता हूँ, वीक में 2-3 बार करता हूँ, और उसके साथ साथ मैं ऐसे टो सेपरेटर लगा देता हूँ ताकि ये वाली भी एक्सरसाइज हो जाए। उसके बाद दूसरी बात, जब एक बार टो सेपरेटर करता हूँ तो मैं बैलेंस बोर्ड भी कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ। इस तरह से 1.5 घंटा यानी कि बैलेंस बोर्ड भी हो जाता है और सोना बेल्ट भी लग जाता है। ये चेस्ट एक्सपांडेबल है, ये बहुत अच्छे से वर्क होता है एंकल के लिए, और ये मैं 24 घंटे अपने पास ही रखता हूँ ये, ताकि इससे हर वक्त मैं एक्सरसाइज कर पाऊँ, क्योंकि ये चेस्ट की भी हो जाती है और ये बहुत यानी अच्छे से ये एंकल की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो पाती है। और ये अमेजोन पे सिर्फ 300 रुपये की आती है, हमारी ये चेस्ट की भी हो जाती है और एंकल की भी, यानी कि बहुत काम आता है मुझे ये। दोस्तों मैं खाने खाते वक्त हमेशा कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करता ही रहता हूँ, और मैंने अभी 5-6 महीने से ये मैंने ट्राई किया कि मैं खाना बहुत ही चबा कर ही खाता हूँ और मैं कभी खाना निगलता नहीं हूँ, मैं इतनी बार चबाता हूँ कि अपने आप ही अंदर चला जाए, यानी कि मैं खाना कभी निगलता नहीं हूँ, मैं चबा चबा कर ही अपने आप खाना चले जाए तब तक मैं चबाता हूँ। यानी दोस्तों मैंने ये जो कुछ एक्सरसाइज आपको बताई है वो आपको हेल्पफुल होगी, और मैं 2 घंटे जिम में भी जाता हूँ, सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा। मैं आने वाले 2 महीने में मैं 30 इंच पहली जो करने वाला हूँ उसके रिगार्डिंग जो भी सारी एक्सरसाइज करूँगा वो सारी की सारी मैं सीक्वेंस वाइज दिखा दूँगा। और दोस्तों आप एक्सरसाइज करते रहिए, बाय, टेक केयर।